हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पास करें में। आज हम केमिस्ट्री सीरीज में आगे करने जा रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण, मतलब कि हम करेंगे आज क्या एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, जो हमने ये पिछली वीडियो में पढ़ा था वो उससे आगे जो ये टॉपिक है वो क्या है एसिड। व्हाट इज एसिड, मतलब एसिड क्या है। अब एसिड है कोई चीज, कोई बेस है, कोई जो साल्ट है, तो हम उनकी आइडेंटिटी से कैसे चेक करेंगे कि हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो एसिड है या बेस है। तो एसिड क्या होते हैं, डायरेक्ट हम चेक करेंगे जो क्या होते हैं स्वाद में, क्या होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं खट्टे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं खट्टे होते हैं उनको हम बोलते हैं एसिड, उनको हम क्या बोलते हैं एसिड। मतलब कि जो क्या हो टेस्ट में, श्योरिंग टेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं। सेकेंड क्या करते हैं, जैसे एसिड मतलब अम्ल है, तो अम्ल को हम डायरेक्ट एक ऐसी ट्रिक है क्या है वो है अनिल नाम से। अनिल में क्या है ऐसे अम्ल बनता है और नीले लिटमस को क्या कर देता है लाल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एसिड है यानी अम्ल है वो क्या करेगा नीले लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है बदल देता है लाल में बदल देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं। अब जो है एक और थ्योरी वो है आर्गेनियस थ्योरी, आर्गेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड किसे बोलते हैं, जो ये थर्ड इसकी आइडेंटिटी होगी, मतलब कि वो एसिड, उसको एसिड को हम बोलेंगे एसिड जो सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन या जो विलयंस, जो विलयन क्या करे एच पॉजिटिव आयन या एच थ्री ओ पॉजिटिव आयन, आयन क्या करे रिलीज करे, उसको हम क्या बोलते हैं अर्गेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब जो क्या करे एच पॉजिटिव आयन रिलीज करता है उसको किसमें इन अक्वस सॉल्यूशन, इन अक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन में, कहां जलीय विलयन में, जलीय विलयन में जब कोई एच थ्री और एच पॉजिटिव आयन रिलीज करता है उसको हम क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये एसिड है, एसिड के बारे में हमने पढ़ा। अब आर्गेनियस थ्योरी के बाद में एक थ्योरी और आती है, वो जो थ्योरी थी वो थ्योरी कौन सी है, वो थ्योरी थी ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, उसको हम क्या बोलते हैं लोरी थ्योरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोरी की जो थ्योरी थी, उस लोरी की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है जो जो एलिमेंट या जो तत्व क्या करता है, जो तत्व अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, क्या करता है जो तत्व अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, जो तत्व यानी जो एलिमेंट क्या करे प्रोटॉन को डोनेट करे मतलब त्याग दे, ठीक है, जो त्याग कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको भी हम लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको एसिड मतलब अम्ल बोलते हैं। अब ये जो एसिड है अम्ल, हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। अब बेस क्या है, अब जो ये बेस है, अब बेस में हमें क्या करना है, बेस बिल्कुल है जो एसिड मतलब एसिड का बिल्कुल ही क्या होता है उल्टा होता है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे देखो बेस, अब ये बेस क्या है, बेस मतलब क्षार। अब क्षार क्या होते हैं, नंबर वन टेस्ट में क्या होंगे कड़वे होते हैं, ये क्या होते हैं कड़वे होते हैं टेस्ट में, ये क्या होते हैं बिटर इन टेस्ट, क्या होते हैं ये बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं स्वाद में, स्वाद में ये क्या होते हैं कड़वे होते हैं। दूसरी बात
ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को किसमें बदल देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं, नीले में बदल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। अब डायरेक्ट जो थर्ड पॉइंट है, यानी कि जो क्षार है यानी कि बेस, वो क्या करता है, क्षार यानी कि बेस वो क्या करता है, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में ये क्या करेगा, जलीय विलयन में ये ओ एच नेगेटिव आयन, मतलब क्या है, ओ एच नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रिलीज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये बेस पढ़ लिया, एसिड भी पढ़ लिया, अब जो यहाँ बार बार एक वर्ड आ रहा है लिटमस पेपर, ये जो लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर क्या होता है, अब जो लिटमस पेपर है देखो यहाँ हम स्टार्ट कर देते हैं, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, अब जो ये लिटमस पेपर है ये क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। लिटमस पेपर यानी कि मोस्टली जो पेपर होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, मतलब पौधों से मिलते हैं, यानी पेड़ों को काट कर हम क्या बना रहे हैं, कागज बना रहे हैं, इसीलिए जगह जगह हमें एड भी मिलती है कि सेव ट्री एंड सेव पेपर, मतलब पेपर को बचाओगे तो आप क्या बचा रहे हो, एक किस्म से प्लांट को, मतलब पेड़ों को बचा रहे हो। तो इसी तरीके से यानी लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है हमें, ये मिलता है हमें लिचेन प्लांट से, कहाँ से मिलता है ये, लिचेन नामक पौधे से हमें क्या मिलता है, लिटमस पेपर मिलता है। ठीक है, अब जो ये लिटमस पेपर मिलता है हमें, ये कौन से कलर का होगा, जो ये लिटमस पेपर मिलता है ये हमें पर्पल कलर, मतलब बैंगनी कलर का मिलता है, ये स्टार्टिंग में कौन से कलर का होगा, बैंगनी मतलब पर्पल कलर का होता है लिटमस पेपर। अब और क्या है, जो ये लिचेन प्लांट है ना, ये लिचेन प्लांट ये कौन से ग्रुप का होता है, तो ये जो लिचेन प्लांट होता है ये थेलोफाइटा, क्या होता है ये, थेलो फाइटा नामक, क्या होता है ये, थेलो फाइटा नामक प्लांट से हमें प्राप्त होता है, यानी जो थेलोफाइटा समूह होता है ये लिचेन प्लांट, लिचेन प्लांट किसका है, थेलोफाइटा समूह का होता है। अब जो ये लिटमस पेपर से हमें पता चल गया भी ये पर्पल कलर का होता है, लिचेन पौधे से हमें प्राप्त होता है लिटमस पेपर, और ये थेलोफाइटा समूह का होता है। अब ये हमने पढ़ लिया लिटमस पेपर के बारे में, लेकिन लिटमस पेपर होता क्या है वो अभी तक हमने नहीं जाना है, वो अब जानते हैं। जो लिटमस पेपर होता है ये क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, एक सूचक होता है, सूचक को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंडिकेटर, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। अब जो ये इंडिकेटर वर्ड है मतलब इंडिकेट कर रहा है, यानी कि किसी चीज को दर्शा रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा कार या बस, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें इंडिकेटर लगे होते हैं, जैसे हम कोई व्हीकल चला रहे हैं, जैसे कार है बाइक चला रहे हैं, तो हमसे आगे वाला जो कोई भी व्हीकल है, व्हीकल वाला है, वो क्या करता है, इंडिकेट करता है टर्न लेने के लिए, राइट साइड में टर्न ले रहा है तो राइट का इंडिकेटर ऑन कर देता है, लेफ्ट साइड में टर्न लेता है तो लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन कर देता है। इसी तरीके से लिटमस पेपर है वो क्या है, एज ए इंडिकेटर है, और वो हमें ये बताता है जो भी सॉल्यूशंस, जो भी हमारे पास क्या है सॉल्यूशन होता है, मतलब विलयन होता है, उसको हम डायरेक्ट टेस्ट करके नहीं बता सकते कि एसिड है या बेस, क्या बता वो कितना हमारे लिए हार्मफुल हो, कितना घातक हो। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, लिटमस पेपर के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि जो लिटमस पेपर रेड लिटमस से क्या हो रहा है, रेड से क्या हो रहा है, लाइनी लाल लिटमस पेपर हमने इसके अंदर डीप किया और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, नीले रंग में बदल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। एक बात और है इसकी आइडेंटिटी की, यानी कि जो क्षार है वो क्या होता है, ये साबुन का जो सोप का जो सोल्यूशन होता है, सोप सोल्यूशन के जैसे ये क्या होता है, चिकना होता है, ये सोप सोल्यूशन के जैसा क्या होता है, चिकना होता है, कौन, बेस। ठीक है, और हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ लिया, ये क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। अब ये जो लिटमस पेपर इंडिकेटर है, इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर और कौन कौन से है, नंबर वन तो हमने पढ़ लिया लिटमस पेपर, सेकंड जो है, सेकंड है वो है हल्दी, टर्मरिक, क्या है, हल्दी यानी कि टर्मरिक,
और भी बहुत सारे हैं। चलो अब देखते हैं हल्दी के बारे में। हल्दी क्या है? जब हमारे सफेद कपड़ों पे कुछ सब्जी गिर जाती है या हल्दी से बना हुआ कोई भी ऐसा कैम है सॉल्यूशंस या जो आपकी जो डिश बनी हुई है वो आपके कपड़ों पे सफेद कपड़ों पे गिर जाती है, तो उसके ऊपर जब उसको साफ करने की कोशिश करते हो तो उस दौरान क्या होता है, आप सोप का यूज कर रहे हो, मतलब साबुन लगा रहे हो। जब उस दाग को जैसे यहाँ पे एक दाग लगा है और उसको आप साफ करने की कोशिश कर रहे हो, साबुन रब कर रहे हो उसके ऊपर, तो क्या होगा, इस जो इसको सुखाने के बाद में इस दाग का जो कलर होता है ये कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, मतलब ये लाल या भूरे रंग का, लाल लाल यानी लाल भूरे से रंग का हो जाता है ये कलर है जो दाग, ये किसके कारण होता है इससे हमें पता चलता है। जो सोप थी हमारी वो सोप कौन से नेचर की होगी, सोप कौन से नेचर की थी, बेसिक इन नेचर, मतलब जो साबुन है वो कौन से नेचर का हो जाएगा, साबुन, यहाँ पे साबुन है, ये साबुन हो जाता है क्षारीय नेचर का, कौन से नेचर की हो जाती है, क्षारीय नेचर की, क्षारीय प्रकृति की होती है साबुन, जितनी भी साबुन है मोस्टली क्या होती है क्षारीय नेचर की होती है। अब हल्दी के बाद में आगे हम जो पढ़ रहे हैं इंडिकेटर्स, मतलब वो कौन कौन से हैं, देखो ये एक और जो है थर्ड जो इंडिकेटर है वो है, थर्ड इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन। क्या है? फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या होती है, ये भी एक क्या होता है इंडिकेटर होता है फिनोफ्थलीन। अब जो ये फिनोफ्थलीन होता है ये एसिड के साथ में कोई भी कलर नहीं देता हमें। क्या है, जब भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है और फिनोफ्थलीन की एक दो ड्रॉप डाल देते हैं तो कोई कलर नहीं देता, लेकिन बेस में क्या होता है, बेस में जब हम डाल दें क्या फिनोफ्थलीन की ये ड्रॉप्स डाल दें तो कौन से कलर का हमें मिलेगा, पिंक, मतलब गुलाबी रंग का मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा वो। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये फिनोफ्थलीन क्या शो कर रहा है, मतलब हमने जो सॉल्यूशन लिया था अब उस सॉल्यूशंस का कलर चेंज हो गया, वो पिंक हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कि वो बेस है, अदरवाइज वो एसिड भी हो सकता है और साल्ट भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे दो या तीन प्रकार के ऐसे और भी प्लांट है, जैसे लिटमस प्लांट है ना, इसी तरीके से हाइड्रोजेनिया है, पुटेनिया है, ये भी क्या है एक ऐसे ऐसे क्या है प्लांट्स हैं जो क्या पता करते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर का पता करते हैं। अब जो ये पीएच वैल्यू है, अब जो हम ये एसिड भी पढ़ा और बेस भी पढ़ा है, इस एसिड और बेस को हम करेंगे अब पीएच के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे पहले अब हम करेंगे जो डेली लाइफ में आप यूज कर रहे हैं ना, डेली लाइफ में जो आप एसिड्स यूज कर रहे हो वो कौन कौन से एसिड्स हैं, वो कौन कौन से एसिड है, देखो जैसे नींबू है, आजकल तो नींबू बहुत ही चर्चा में है ना, क्योंकि बहुत ही इसका रेट बढ़ा हुआ, नींबू है, संतरा है, इसका अंदर नींबू और संतरे में कौन सा एसिड होता है, नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, यानी सिट्रिक अम्ल होता है नींबू संतरे में। और इसी तरीके से इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है, इमली में होता है टार्टेरिक अम्ल, क्या होता है टार्टेरिक अम्ल, क्या होता है टार्टेरिक अम्ल होता है। नंबर थ्री में क्या है, इमली में क्या होता है टार्टरिक अम्ल होता है, क्या होता है टार्टरिक अम्ल, और नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, इसी तरीके से टमाटर में कौन सा होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद में और कौन कौन से हैं, जैसे जितने भी फ्रूट होते हैं खट्टे फ्रूट होते हैं मोस्टली उनमें क्या मिलता है सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, इमली में टार्टेरिक अम्ल, अब रहता है दूध, खट्टा दूध, क्या है खट्टा दूध, खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है, खट्टे दूध में जो एसिड होता है उसमें होता है
लैक्टिक एसिड, क्या होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल होता है, क्या होता है लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। और कौन कौन सा रहता है, हाँ जो चींटी चींटी काट जाती है ना हमें कभी, उसको बोलते हैं चींटी, चींटी के डंक में और मेथिन नेटल के प्लांट में, यानी कि नेटल और चींटी के डंक में कौन सा एसिड होगा, उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल, क्या होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। अभी जो मेथेनोइक अम्ल होता है, जब भी हमें चींटी काटती है तो हमें पेन होता है, क्या होता है पेन होता है, मतलब हमें दर्द होता है, तो वो किसके कारण होता है, मेथेनोइक अम्ल हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, उसके कारण हमें क्या होता है दर्द महसूस होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये सारे के सारे जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, वो जो हमें पता भी नहीं है कि जो नींबू और संतरा है सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन जो 10th की क्लास में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, और क्योंकि जब तक जितनी भी वैकेंसीज आती हैं और कोई भी हो, चाहे वो SSC की हो चाहे SSC की हो, उन सभी के अंदर ये इस टॉपिक से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी खट्टे दूध में या दही में, खट्टे दूध या दही में कौन सा एसिड होता है, तो कौन सा एसिड होता है लैक्टिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है, इमली में क्या होता है टार्टरिक अम्ल होता है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। अब आगे करते हैं, देखो जैसे जो हमने ये बातें की तो उसके बाद में अब हमें करना है पीएच के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पीएच क्या है, क्या है पीएच, इन जर्मन लैंग्वेज पी मींस होता है पोटेंस, और पोटेंस का अर्थ होता है क्या पावर, क्या होता है पोटेंस का मतलब जो अर्थ होता है वो क्या होता है पावर होता है, और एच मींस हाइड्रोजन्स। तो पीएच की जो वैल्यू है, इसकी जो फुल मीनिंग होगा पीएच का, वो क्या होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन्स, पीएच की जो फुल फॉर्म होगी यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा इसका मीन। अब ये जो पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन्स है, यानी ये पेपर होता है ऐसे पीएच पेपर, उस पीएच पेपर पे हमने लेते हैं रीडिंग, कौन कौन सी रीडिंग होती है इस पे, 0 से लेके 14 तक की इसमें क्या होती है रीडिंग होती है, और 7 पे क्या होता है, 7 पे होता है न्यूट्रल्स। अब ये हम न्यूट्रल्स की बारी आई, तो अब हम न्यूट्रल के बारे में पढ़ते हैं। जब भी हम क्या करते हैं एसिड को और बेस को, जब भी हम एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे मिक्स करेंगे, तो हमें क्या मिलता है लवण और जल मिलता है, लवण और जल मतलब साल्ट और वाटर मिलता है, क्या मिलता है साल्ट प्लस में वाटर मतलब H2 मिल रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ओके। तो ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है मतलब न्यूट्रल्स है, जो न्यूट्रल वैल्यू होगी वो कितने पे होती है, हमेशा 7 के ऊपर वैल्यू होगी, वो होती है न्यूट्रल की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद में हमें देखना है 0 से लेके और 7 तक क्या होते हैं, और 7 से लेके 14 तक की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 6.99 तक की जो वैल्यू होती है वो तो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं एसिड होते हैं, और 7.1 से लेकर के 14 तक की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। अब एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन जो एसिड है, अब एसिड को भी हम क्या कर देते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कौन कौन से होंगे वो, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होता है वीक एसिड, यहाँ एस ए मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, डब्ल्यू ए मींस वीक एसिड, इसी तरीके से यहाँ अब हम लिख रहे हैं वो क्या होगी डब्ल्यू बी मतलब वीक बेस, और ये क्या होती है स्ट्रॉन्ग बेस ओके। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस है, अब इनकी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग यानी 0 से लेकर के
3.5 तक की जो रेटिंग होती है मोस्टली क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं वो? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरीके से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या होती है, मतलब जो पीएच की आउटर साइड में होते हैं वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और अंदर वाले क्या होते हैं, वीक होते हैं। और 7 पे जो रीडिंग होगी वो होती है हमारी क्या होती है, न्यूट्रल्स। क्या होती है वो? हमारी न्यूट्रल होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और एग्जाम पास करें चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं, इनमें के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है HSSC डिपार्टमेंट्स, जो कि हमारे CET के एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।